जल्दी जो तू पहन रही है ना वो बेकार टाइम वेस्ट कर रही है। उफ, ये दुल्हन कितनी भी लहंगे ट्राई करे बट मन ही नहीं भरता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चांदनी के दिल से। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस ब्लॉग के लिए मैं भी बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि कब वो टाइम आए। इस ब्लॉग से आप लोगों को देखने को मिलेंगे शादी की शॉपिंग। जी हाँ, हमने शादी की तैयारियाँ कैसे कैसे की, क्या क्या चीज़ें खरीदी, कहाँ कहाँ से खरीदी, और जो भी होगा नेचुरली जिस तरह की चीज़ें आएंगी वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो आज है शॉपिंग नंबर डे वन। तो आज के दिन देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें जो है कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअली लॉकडाउन का चल रहा है अभी टाइम, कहीं कहीं पे शॉप्स खुले हैं, कहीं नहीं भी खुले हैं, तो वी हैव टू सॉर्ट आउट कि जो चीज़ें हैं हम कहाँ से परचेज करते हैं। तो लिस्ट रेडी है और आज संडे का दिन है तो आज ऑफिस भी नहीं है। ऑफिस तो देख इस बात की, चलिए आप भी हमारे साथ चले। तो आज विभा को भी हम लोग साथ में लेके जा रहे हैं शॉपिंग, क्योंकि ये नहीं जाएगी तो शॉपिंग होगी कैसे। तो इन्हीं की शादी है तो शॉपिंग भी इन्हीं को करनी है, तो इनको हम लोग आज साथ में लेकर के जा रहे हैं। तो जीजू है इनके साथ में, मीन्स मेरे हस्बैंड हैं, मम्मी है साथ में और मैं हूँ, और हम लोग अब निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। आज बेसिकली लहंगा देखना है क्योंकि लहंगा शादी के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं पहले उसी को देख लेते हैं। तो लहंगा देखने के लिए हम लोग रतनपोल मार्केट जाने वाले हैं, जो यहाँ का बहुत ही फेमस मार्केट है फॉर लहंगा एंड साड़ी। तो आइए चलिए चलते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं कालूपुर सर्कल, और बस कालूपुर सर्कल जो कि अहमदाबाद में बहुत बिजी रोड होता है, लेकिन संडे की वजह होने से, संडे के कारण आज यहाँ पे काफ़ी कम रश है, भीड़ भी कम है, तो ये हमें ठीक लग रहा है। लॉकडाउन में मार्केटिंग के लिए ये टाइम बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं। इस नॉर्मल डेज़ में तो आपको यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है, लेकिन थैंक गॉड कि संडे है, मार्केट लेकिन खुला हुआ है। और आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स जो हैं, सारी साड़ीज़, लहंगाज, सूट, सलवार, दुपट्टा, ब्लाउज़ पीसेस, इसके आपको बहुत अच्छी मार्केटिंग करने को यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये लोग कैटलॉग पीस जो है वो लगा के रखते हैं बाहर आउटसाइड, तो एक आइडिया मिल जाता है। तो हमने सोचा पहले लोकल शॉप्स में एक बार हम लोग पूरा चेक कर लेते हैं और उसके बाद से हम प्रॉपर किसी शॉप में जाएंगे। तो हमने देखा बहुत ही यहाँ का जो गुजराती वर्क है, जैसे आप ये लहरिया साड़ी देख रहे हैं, बंधेज की साड़ी देख रहे हैं, और जो यहाँ का जो बेसिक जो वर्क है ना वो देखने को हमने मिला, पटोला साड़ी और इस तरह के जो दुल्हन बनी हुई डिज़ाइन, ऐसे हमने बहुत सारी देखी। और बहुत ही मतलब जो कलर थे वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी ब्राइट कलर थे, तो शादी के लिए भी हमें कुछ इस तरह के कलर तो देखने ही हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ऐसे दुल्हन बनी हुई है और इस पर बड़ा सुंदर सा काम है, कलर्स भी बहुत प्यारे हैं। तो हम जस्ट एक बार देख रहे थे कि किस तरह का कलेक्शन आया हुआ है मार्केट में, और यहाँ पे आपका चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग आपको यहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं वो आपको बुलाते जाएंगे कि आप हमारी शॉप में आ जाइए, हमारी शॉप में आ जाइए, तो बड़ा मुश्किल भी हो रहा था। जो भी मैंने ऑनलाइन देखा था वो सब कुछ मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे बहुत रिलैक्स हो रहा है। बहुत अच्छा कलेक्शन, हर शॉप से जो है आपको हर तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। इतना है हजार में चार साड़ी, तीन साड़ी क्या लेना? पूरी गली जो है ना चूड़ियों का सेट बड़ा सुंदर है, पहले साड़ियाँ तो हो जाए फाइनल तब ना। मम्मी की साड़ी पे नज़र गई इस ग्रीन कलर की जो उन्हें अच्छी लग रही थी तो देखने लगी। तो अहमदाबाद की बहुत ही बेस्ट जहाँ साड़ीज़ मिलती हैं वो है आसो पालव। तो अब हम सबसे पहले यहीं पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ का कलेक्शन क्या है। आसो पालव ने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए थे और हम प्रॉपर वहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें देख पाए हैं। वहाँ पे डिपार्टमेंटल वाइज डिवाइड हो रखा है, लाइक लहंगास का अलग कॉर्नर है,
साड़ीज़ का अलग कॉर्नर है, इंडो वेस्टर्न का अलग कॉर्नर है, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें दिखाया। बहुत ही प्यारे प्यारा कलेक्शन आया हुआ है, और सबसे मज़े की बात ये थी कि 20% डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो ये शॉपिंग के लिए अभी बहुत अच्छा समय है, तो हम इसको मिस नहीं करना चाहते थे। ये ऐसी शॉप है ना जहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको साड़ी कोई पसंद ना आए, मतलब आसो पालव जो आए वो साड़ी तो ज़रूर लेके जाए। देखना देखना लगे ना, हमारे यूपी में शादी जो होती है बेसिकली वो येलो कलर की साड़ी में ही होती है, तो हम येलो का ही कलेक्शन देख रहे थे, तो ये ब्लाउज़ बड़ा पसंद आया विभा को, लेकिन साड़ी इस तरह की हमको नहीं मिली। ग्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन आएगा, कॉम्बिनेशन ग्रीन आएगा, आप जो कढ़ाई मांग रहे हो उससे। तो कुछ साड़ियाँ जो है विभा को बहुत पसंद आई तो उसने वो परचेज कर ली है, फिर हमने सोचा चलो अब हम चल के देखते हैं थोड़े से लहंगे। तो लहंगा देखने के लिए हम लोग दीप कला आए, दीप कला साड़ी सेंटर, वो बहुत अच्छा है कलेक्शन वहाँ पे। तो आइए देखते हैं कुछ लहंगे के डिज़ाइन जो उन्होंने हमें दिखाया। क्या दिखाया आपने, क्या सुंदर लग रहा है यार, वाओ क्या बात है, बहुत खूबसूरत है, वाओ दुपट्टा रेड कलर में मखमल उसको टेंडिंग सर कलर फोटो पे अच्छा, दो दुपट्टे के साथ में तो आप कॉन्ट्रास्ट में यूज कर सकते हैं। अच्छा इसमें वेलवेट वाला जो है इसमें फ्रिल्स वाला है क्या? दिखाइए दिखाइए दुपट्टे, ये ब्लाउज का डिजाइन दिखाइए, आगे पीछे पर अस्तिन पे बाजू पर वर्क भी अच्छा है, डिज़ाइन ब्लाउज का जो खुशबू डिज़ाइन एकदम डिफरेंट है। कलर रेड जैसे बहुत कॉमन होता है ना, सब पहनते हैं, और वेलवेट में ही दिखा रहे हैं तो ठंडी का टाइम है तो फिर मे बी बेटर होगा। ओह सुंदर है दीदी, अरे वाह, मेरे को तो मन कर रहा है मैं फिर से शादी कर लूँ। खुशबू को शादी का लहंगा पसंद करना है, भूख भी नहीं लग रही है। अच्छा इसका कलर मेरे कैमरे में कलर इसके साथ भी वो आएगा शेडिंग शेडिंग होगा, बट जब मैं इसका फोटो ले रही हूँ ना तो वो बर्गंडी कलर नहीं आ रहा, मरून में आ रहा है। हाँ फोटो में मरून, तो इसकी फोटोज भी मरून मरून आ जाएगा। अच्छा रेड के साथ आपने दो दुपट्टे दिए हैं मगर उसके साथ ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा ऐसा दुपट्टे और मिल सकता है इसमें, बड़ा अच्छा ये हाथी का काम ना, तो बालू बाले जो बहुत हैवी है। हाँ तो विभा को ये रेड कलर का अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको रेड पहनना नहीं है, उसको कुछ और कलर ट्राई करना है। तो हमने बोला ठीक है हम ऐसा करते हैं किसी और शॉप में भी चल के देख लेते हैं कलेक्शंस, जल्दबाजी क्यों मचानी है, शादी में लहंगा बहुत इम्पॉर्टेंट है तो क्यों ना थोड़ा और टाइम दिया जाए। ये जो लहंगा है ये किसी लड़की ने अपनी शादी के लिए बनवाया है लॉकडाउन के पहले, तो ये वो पीस रेडी कर चुके हैं तो वो दिखा रहे थे हमें। ये 8000 का पड़ जाएगा तेरे को दीदी, ये मैंने अच्छा नहीं लगा। हाँ हाँ मतलब नहीं प्राइस बहुत अच्छा है, मतलब यू कैन वेयर इट आल्सो लाइक ऐसे करके पहना देंगे वो ट्रेनर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब हम लोग शायद सही मार्केट में आ गए हैं, है ना, यहाँ हमारी शायद तलाश पूरी हो जाए। क्यों मम्मी, मम्मी ने कुछ नाश्ता पानी कर लिया, फ्रेश हो गई है मम्मी। इतने सारे कौन से लेगी खुशबू सारे लेगी। तो अभी हम दोनों सिस्टर जो थे ना बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा कलर कौन सा डिजाइन बेस्ट रहेगा, तो हमने बोला चलो और देखते हैं फिर कुछ आइडिया मिले। नहीं मम्मी ये हाँ राइट इसने ये देखा था ये कलर जो कुछ बिल्कुल सेम कैटलॉग पीस है ये वाला।
पंजाबी इसका ना अभी बहुत लेटेस्ट था, बहुत प्यारा है। लेकिन इसमें वर्क उतना नहीं है जितना जैसा एक्सपेक्ट। ये एंड वर्क है, ये एंड वर्क है। इसी में जैसा हमने वो सब देखा उसमें लग रहा है ना ब्राइडल लुक आ रहा है, वो कंप्यूटर वर्क। देखिए ये बहनों के लिए, ये वाला साइड वाला, साइड वाला सब तेरे लिए नहीं है, साइड वाला। ठीक है, और क्या तेरी क्या डिमांड है? तेरी आंटी को लेकर शादी में आऊंगा वो ऐसा भेजेंगे। तेरा से बोली बता दिया तो मैं वही अच्छा वाला ही दिखा दूंगा। हाँ। नहीं, आपने एकदम एग्जैक्ट कलर्स दिखाए हैं। हाँ। जो हमें एक्चुअली में चाहिए। फालतू कलर देखने का मतलब नहीं रहता, माइंड कंफ्यूज हो जाता है। अब जल्दी तू पहन फिर मैं तेरा। अब जो है विभा ट्राई कर रही है, क्योंकि ट्राई करने के बाद ही एक आइडिया मिलता है कि किस तरह का वो लगेगा। तो वैसे जल्दी किसी शॉप में ये दिखा नहीं रहे, लेकिन दीप कला ने काफ़ी अच्छे से हमें पहना के भी दिखाया। रेड आते ही ना मम्मी दुल्हन का कलर आ जाता है। वही मैं इसको तब से बोल रही नहीं रेड है। नो जो तू पहन रही है ना वो बेकार टाइम वेस्ट कर रही है। तो मैं रेड वाला एक और बार पहन क्या? हाँ, आप चाय भी पी रही हो क्या? बात है, हमने बोल दिया। मम्मी चाय पी रही हो कि लड़की की शॉपिंग करा रही हो? कर क्या रही हो आप यार? कराऊंगी ना। अब आए सबसे इंटरेस्टिंग जगह पे खुशबू हम लोग। चलो चलो चलो, बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें मिलेंगी खाने को। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद शॉपिंग करेंगे बाकी की। तो यहाँ पर हम आए हैं अपनी फेवरेट स्ट्रीट पे, बहुत ही फेमस एरिया है यहाँ पे। बहुत ही मजेदार घोल गप्पे खाए, बहुत ही मजेदार। वाह 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 वाह। तो लहंगा हमने फाइनल नहीं किया है, हमने सोचा है कि हम और भी शॉप्स देखेंगे, उसके बाद हम फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे। तो मैंने विभा को कहा कि चलो हम लोग मेकअप की शॉपिंग फिर कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम दूसरी शॉप में। तो आप क्या क्या बात कुछ भी दे रहा आप? बाकी तो सब कुछ ही है। सेकंड चरण हम जा रहे हैं शॉपिंग की, मेकअप को कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं माय, वहाँ पे करेंगे हम मेकअप प्रोडक्ट्स की शॉपिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगले व्लॉग में भी बने रहिए हमारे साथ, तो देखने के लिए कि हमने कौन सा लहंगा फाइनल किया और हमने कौन कौन सी और अलग चीज़ें हमने खरीदी, वो देखने के लिए आपको मेरा अगला व्लॉग देखना ज़रूर है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, फिर मिलते हैं।